जहां एक ओर इसराइल हमास के बीच जंग खत्म नहीं हो रही है, वहीं कट्टर यहूदी नेता इसे और भड़काने में लगे हैं। दरअसल इसराइली मीडिया ने नेतन्याहू सरकार पर एक चौंकाने वाला खुलासा कर बड़ा दावा किया है। इसके तहत इसराइली सरकार ने कब्जे वाले पूर्वी यरूशलम में अलग सा मस्जिद पर धावा बोलने वाले यहूदियों को इनाम देने की योजना बनाई है। ऐसा पहली बार है जब इसराइली सरकार की ओर से ऐसे कदम उठाए जाने की चर्चा है। दावा है कि इसराइली सरकार इलाके में अवैध रूप से बसे यहूदियों को इनाम के तौर पर पैसे बांटेगी। इसराइली न्यूज KAN के मुताबिक इसराइली हेरिटेज मिनिस्टर अमिचाई अलियाहू ने इसके लिए 2 मिलियन NIX यानी लगभग $5,22,000 अलॉट करने का आदेश दिया है। हेरिटेज मंत्रालय अलग सा मस्जिद में बसने वालों के फंडेड टूर के लिए इतामेर बेन गावीर के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय के संपर्क में है। खास बात है कि ये खुलासा ऐसे वक्त पर हुआ है जब पुलिस सुरक्षा के बीच अवैध रूप से बसने वाले यहूदियों की ओर से अलग सा मस्जिद परिसर में लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही है। इसमें इसराइल के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री बेन गवीर खुद भी कई बार घुसपैठ में शामिल रहे हैं। सोमवार यानी 26 अगस्त को सुरक्षा मंत्री ने ऐसा दावा किया कि बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल बेन गवीर ने कहा कि यहूदियों को अलग-सा में प्रार्थना करने का अधिकार है, यहूदियों और मुसलमानों के लिए समान कानून है, वे ऐसा कर सकते हैं, वे यहाँ पर एक प्रार्थना स्थल को बनाएंगे। विवाद बढ़ता देख इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर स्थिति को साफ किया, जिसमें कहा गया कि टेंपल माउंट पर यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बता दें कि बीते दिनों भी इस पर विवाद छिड़ा था। अगस्त महीने में ही बेन गवीर ने हजारों यहूदी निवासियों के साथ मस्जिद के परिसर पर धावा बोल दिया था। इस दौरान बेन गवीर ने कथित तौर पर अलक्सा मस्जिद को टेंपल माउंट कहकर संबोधित किया था। साथ ही कहा था कि उस पर इजरायली संप्रभुता और अधिकार लागू करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हमारी नीति यहाँ यहूदी प्रार्थना की अनुमति देना है। इस दौरान कई यहूदियों ने तो मस्जिद परिसर में प्रार्थना तक कर डाली थी। खैर, ताजा मामले पर मुस्लिम देशों के संगठन ने भी तीखी प्रतिक्रिया देकर इसराइल को घेरा है। इस्लामिक सहयोग संगठन ने बेन गवीर के बयानों के साथ साथ बसने वाले समूहों और इजरायली मंत्रियों की ओर से मस्जिद परिसर में हो रही घुसपैठ की निंदा की। OIC ने कहा कि वह इन कार्यों को इसराइल की ओर से पवित्र स्थानों की पवित्रता और पूजा की स्वतंत्रता का लगातार उल्लंघन मानता है। साथ ही ये जिनेवा कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भी अवहेलना है। इसराइल के पास अल कुद्स शहर को यहूदी घोषित करने के लिए उठाए फैसलों का कानूनी आधार नहीं है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय वैधता के प्रस्तावों के तहत इसे शून्य मानता है। मालूम हो कि अल अक्सा मस्जिद में साल 1967 से ही यथास्थिति बरकरार है। दरअसल इसराइल और जॉर्डन के बीच एक समझौता हुआ था, इसके तहत पवित्र परिसर में गैर मुस्लिम पूजा पर पूरी तरह से रोक का प्रावधान है। अल अक्सा मस्जिद को इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल और फिलिस्तीनी राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि मस्जिद परिसर में डोम ऑफ द रॉक भी शामिल है। हालांकि साल 2003 में इसराइल ने इस्लामिक वक्फ की मंजूरी लिए बिना इलाके में बसने वाले लोगों को अल अक्सा मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति दी थी, जिसने लगातार इन घुसपैठों को खत्म करने का आह्वान किया है। Allah 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 Allah